क्या लगता है जो इसका जो बियरिंग टूट टूट गया गियर बॉक्स का, कि इसका जो एलोवेल का जो बियरिंग होता है वो टूट गया? अब लोग आपको शायद ऐसे लग रहा है, लेकिन ये एलोवेल से सॉकेट है यहाँ से हिल रहा है, तो इसको कैसे रिपेयर करता है दोस्तों? इसको रिपेयर किया जाता है दोस्तों, इसको प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। मैं हूँ कमालुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमाल ऑटो मोबाइल। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है आप देख सकते हैं, सुजुकी वैगन जो एलोवेल है आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा हिल रहा है। देखिए देखिए कितना हिल रहा है। आपको क्या लगता है जो इसका जो बियरिंग टूट टूट गया गियर बॉक्स का, कि इसका जो एलोवेल का जो बियरिंग होता है वो टूट गया? अब लोग आपको शायद ऐसे लग रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका जो आप देख सकते हैं इसका जो एलोवेल है, एलोवेल में एक सॉकेट है दोस्तों अलग से, ड्रम उन लोगों का जो ब्रैक ड्रम में एक सॉकेट रहता है मीनिंग वाला, वो वाला सॉकेट से ये वाला प्ले हो रहा है। तो दोस्तों काफी ज्यादा मैकेनिक इस प्रॉब्लम को लेकर परेशान है दोस्तों। क्या करता है, नया इसमें ऐड कर देता है, नया इसमें एलोवेल इसमें ऐड कर देता है। बहुत सारा स्कूटी में ऐसे प्रॉब्लम देखा है। देखिए नया वाला वो वाला नया है, वो वाला एलोवेल लगा है इस बाइक में, वाला नया एलोवेल लगा हुआ है। ठीक है यार, ये पुराना वाला ये भी ऐसे हिल रहा था। ठीक है देखिए ये जो सॉक्स है यहाँ से प्ले हो रहा है, इससे क्या प्रॉब्लम होगा दोस्तों? ब्रेक मारने से स्किड करेगा, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने का भी चांस रहता है। यहाँ पे सामने में एयरपोर्ट आप देख सकते हैं, प्लेन जा रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है ये एयरपोर्ट रानवर है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सॉकेट है यहाँ से हिल रहा है। तो इसको कैसे रिपेयर करता है? जी हाँ दोस्तों, इसको रिपेयर किया जाता है दोस्तों, इसको प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे वीडियो के जरिए से आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो वीडियो काफी हेल्पफुल और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला। अभी हम लोग जाएंगे करत वाला के पास जाके इसको रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे रिपेयर करता है आपको दिखाता है फटाफट। तो अभी तक मेरा चैनल में अगर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन थोड़ा प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन होगा चैनल पर अगर मिलते रहेंगे। तो सो गाइस, अभी फाइनली हम लोग करत वाला का पास चला है, ये मध्यम गरम है मंडल लेथ में हम लोग आया दोस्तों, आप देख सकते हैं। और वो गोर का कुए हम लोग अलाविल हम लोग ओपन कर दिया, देख सकते हैं ये भगवान बाड़ी का गाड़ी का ऐसी प्रॉब्लम आ रहा था दोस्तों। तो चलिए ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग फटाफट से शॉर्ट आउट करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखिए हार्डली 2-3 महीने चला फिर एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों, ये सॉकेट से यहाँ से बार बार यहाँ से प्ले हो जा रहा है। अच्छा का ऐसे हिल रहा है, देख सकते हैं ये वाला पुराना वाला। तो जो बाइक का जो ऑनर है उनको बोला पुराना वाला भी लेके आइए, इसको भी हम लोग रिपेयर कर देंगे। ये फाइनली मेरा को ये फाइनली अभी रिपेयर हो गया दोस्तों, और ये नया वाला ये भी रिपेयर हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए दोस्तों वीडियो में, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक डील करके यहाँ पे एक तो नाट लगाना है हम लोगों को, एक ठेठ बनाना पड़ेगा, ठेठ बनाना है यहाँ पे ना गोर काकू। कॉट सिस्टम होगा, कॉट बहुत अच्छे टिक्स है, आप देख लीजिए दोस्तों बहुत काम में आएगा दोस्तों। आज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम मैकेनिक के पास जाना चाहिए वीडियो। अभी देखिए ठेड हो गया गोर को, अभी क्या होगा वहां पे? कॉट होगा, कॉट सिस्टम है, तो नाट लगा होगा क्या वहां पे? नाट देखे कॉट बना देगा, इसके नहीं हिलेगा। अच्छा टाइट हो जाएगा ना, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। पिच हो गया और एक पिच यहाँ पे हम लोगों को डील कर दिया ये वाला से,
ड्रिल करके इसको गुना करके यहाँ पे नाट लगाना है 10 नंबर का, बस ये टाइट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगा और कभी भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा और ऐसे ऐसे हिलेगा नहीं, अलावल ऐसे हिलेगा नहीं, सॉकेट से हिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारा मैकेनिक किया गया, इसका अलावल चेंज कर दिया, पीछे का जो एक्सल होता है गियर बॉक्स में वो भी चेंज कर दिया दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम थॉट आउट नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे थे दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये अलावल का जो सॉकेट है ये फिले हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, बने रहे दोस्तों वीडियो में, फिर आपको हम बाइक में फिट करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। हो गया, हो गया। देखिए दोस्तों ये पुराना वाला है, इसको भी हम लोग रिपेयर कर लिया देख सकते हैं। अरे स्कूटी हम अभी खोल के लेके आए, इसको रिपेयर कर लिया दोस्तों। अरे लेट में देख सकते हैं, ये पिस्टन वगैरह यहाँ पे बोर्ड होता है दोस्तों, और यहाँ पे हेड का काम हो रहा है, यहाँ पे पत्थर आए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो पिस्टन का जो साइज होता है इसको ठीक करता है दोस्तों, ये वाला जो पिस्टन का काम करता है दोस्तों, यहाँ पे नाजिन यहाँ पे देख सकते हैं, मंडल इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ये आप देख सकते हैं, उधर भी बहुत सारा मशीन है दोस्तों, बहुत पुराना है। ठीक है, लेते हैं तो चलो दोस्तों, अभी वीडियो बना रही है, अभी बाइक में हम लोग ऐड करते हैं। देखिए सारा सारा सिलेंडर यहाँ पड़ा हुआ है, सब बोर होगा यहाँ पे सब बोर होगा दोस्तों, बहुत सारा गाड़ी का यहाँ पे सिलेंडर पड़ा हुआ है। तो चलो दोस्तों, अभी गाड़ी में हम लोग फिट करते हैं, फिट करके वो दिखाते हैं, देख सकते हैं, भाई लोग मेरा हेल्प कर रहा है दोस्तों, ये एलोवेल का हम लोग अभी इसमें ऐड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, बस हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं, देखिए हम लोग का एलोवेल फिट हो गया, आप देख सकते हैं, देखे दो भाई, हाँ भाई, अभी ये एलोवेल हम लोग का फिट हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, सब यहाँ पे मैकेनिक भाई है मेरा। ठीक है, बस हो गया, अभी हिल रहेगा, दिखाना पड़ेगा मेरा व्यूअर को, बस अभी थोड़ा हिला के देख लो, एकदम फर्स्ट क्लास, हाँ एकदम देखो, ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास है। ठीक है, अभी हिल रहा है, देख लो पर, एकदम फर्स्ट क्लास है दोस्तों। तो सो गाइस, अभी देख सकते हैं, फाइनली हम लोग शॉप में चला है दोस्तों, और बिल्कुल अभी हम लोगों का जो अलावल है अभी फर्स्ट क्लास हो चुका है, अभी कोई प्ले नहीं है वहाँ पे, एकदम पूरा बिल्कुल हम लोगों का बाइक अभी फर्स्ट क्लास हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि और भी मैकेनिक को वीडियो पहुंचना चाहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि देख सकते हैं इसका जो एलोविल है, ये एलोविल एक मैकेनिक ने इसको चेंज कर दिया, इसको पता नहीं था ये रिपेयर हो गया था दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं ये पुराना वाला है, नया इसमें ऐड हुआ है, ये वाला एलोविल नया इसके ऐड कर दिया था, तो कस्टमर को मैंने बोला पुराना वाला भी लेके आइए, वो लेके आया, उसको भी हम लोग रिपेयर कर दिया, हार्डली 2-3 महीने हुआ इसको चलाया, फिर भी ऐसी प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, उसको शॉर्ट आउट भी किया दोस्तों। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट कोई टॉपिक लेके, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार किए दोस्तों।